इवनिंग, नमस्ते जय हिंद कैसे हैं आप लोग एकदम बढ़िया स्वागत है एक बार फिर से आपका टांडव परिवार में मैं हेम कुमार आपका स्वागत करता हूं जैसा कि आप सभी को पता है कि शाम को सात बजे आपकी लगती है रीजनिंग की क्लास तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ स्पेशल क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी हम लास्ट दो दिन से सीरीज के टॉपिक को ले रहे हैं क्योंकि सीरीज का टॉपिक इतना ज्यादा बड़ा है इतने ज्यादा वेराइटीज के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम करना भी चाहें तो इसको चार दिन पांच दिन सात दिन या फिर दस दिन भी करेंगे तो आपके सारे वेरायटीज के क्वेश्चन कवर अप नहीं होंगे बट मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि हम यहाँ पर सारे वेरायटी

आज हम यहाँ पर सीरीज की आपकी कौन सी क्लास है भाई थर्ड क्लास है अभी तक क्योंकि कल आपकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लासेस थोड़ा सा लेट हो गई थी जिससे हमने कम क्वेश्चंस किए थे उसी क्वेश्चंस को उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे तो जो कल आपके क्वेश्चंस बच गए थे उसके अलावा मैं आपके लिए यहां पर कुछ नए क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं उन सारे क्वेश्चन को आज हम क्या करेंगे भाई सॉल्व करेंगे चलो जल्दी से सेशन से जुड़ जाओ भाई अब इसके साथ साथ जिस किसी को भी एस एस की अगर तैयारी करना है तो यहाँ पर संग्राम बैच लॉन्च हो गया है जिसका प्राइस कितना है सिर्फ आपका 599 है और ये आपको बैच कैसे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सबसे पहली बात दूसरे अगर किसी को ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना है तो 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है कब से बोलो सर 10 अक्टूबर से इसमें स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर तीन क्लासेस आपको फ्री में दी जाएंगी जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर आप पढ़ सकते हैं यहां पर आप ले सकते हैं उसके बाद आप एडमिशन करा सकते हैं चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है यहाँ पर देखो ये आपका ऑफलाइन बैच आपका स्टार्ट हो रहा है कब से 10 अक्टूबर से और थ्री डेमो क्लासेस फ्री में दी जा रही है इसके साथ अगर मैं बात करूं कि एसएससी जीडी के लिए हम लोगों ने आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं वो स्पेशल क्या है यहाँ पर एस एस सी जी डी स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल में क्या देंगे यहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट है एस एस सी जी डी के चाहे वो आपका जीएस हो मैथ्स हो रीजनिंग हो हिंदी या इंग्लिश हो उन सभी की बुक हम आपको कैसे प्रोवाइड करेंगे एक आपको बंच के फॉर्मेट में क्या करेंगे भाई प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे सारे टॉपिक्स के साथ-साथ आपके हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ-साथ बेसिक्स के साथ-साथ उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे उसके साथ-साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट है यहां पर हम आपको एसएससी जीडी की क्या की दे रहे हैं भाई एसएससी जीडी की हम यहां पर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना ज्यादा हम टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा होगा भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट और वही चीजें हमारे लिए क्या होंगी भाई इंपॉर्टेंट होगी यहां तक बात क्लियर है सभी को चलो अगर बात क्लियर है तो आते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर आज की क्लास का पहला क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चंस है जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर चलो बताओ भाई प्रीति रंजीत सुमरन सरिता जल्दी से बताओ भाई आंसर्स क्या आ रहा है चलो बताओ भाई जल्दी से क्या रहा है अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस में ध्यान से समझो क्योंकि कल हमने क्या बताया था कल हमने ये बताया था जब भी हम सीरीज का पढ़ेंगे और सीरीज में भी कितने पार्ट थे बोलो सर सीरीज में आपके तीन पार्ट थे पहला क्या था बोलो सर पहला आपका नंबर है दूसरा आपका क्या है बोलो सर दूसरा आपका अल्फाबेट और तीसरा क्या है बोलो सर तीसरा आपका रिपीटेड है और यहाँ पर अगर मैं बात करू बोलो सर नंबर में भी क्या थे सर दो पार्ट थे एक क्या था बोलो सर एक मिसिंग था और एक क्या था बोलो सर एक रॉन्ग नंबर था यहाँ पर देखो तो हमने यहाँ पर क्या देखा बोलो सर यहाँ पर क्या पूछ रहा है बोलो सर गलत संख्या है, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है भाई गलत संख्या पूछ रहा है जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा आंसर जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर निकालो सभी लोग चलो सबसे पहले हम क्या करते बोलो सर डिफरेंस निकालते बोलो सर यहाँ पर क्या है 216 सो नेक्स्ट बोलो सर 163 नेक्स्ट देखो बोलो सर यहाँ पर 120 फिर आपका 72 और फिर आपका 24 यही है यहाँ पर डिफरेंस निकालो बोलो सर कितना 12 में से चार जाएगा बोलो सर ये 8 और ये कितना वही चार क्लियर है चलो यहाँ पर डिफरेंस निकालो बोलो सर ये भी आपका कितना आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस निकालो बोलो सर यहाँ पर आ रहा है आपका 43 कितना आ रहा है 43 आ रहा और यहाँ पर निकालो बोलो सर 6 में से तीन जाएंगे बोलो सर तीन बचेगा और वो देखो यहां पर बोलो सर यहां पर अगर मैं बात करूं छह में से तीन ग्यारह में से छह जाएगा तो बोलो सर ये बचेगा कितना बच रहा बोलो सर ये त्रेपन और ये यह तैंतालीस यहां पर ध्यान से देखो बोलो सर, यहां बोलो सर सर पर यहां पर क्या हो रहा अड़तालीस मुझे यहां पर भी अड़तालीस चाहिए अगर मैं इसको अड़तालीस करूंगा तो बोलो सर ये नंबर हमें क्या करना पड़ेगा भाई चेंज और रॉन्ग नंबर क्या है बोलो सर यहां पर रॉन्ग नंबर है आपका वन है क्या है भाई वन और अगर मैं बात करूं बोलो सर अगर इसमें इसकी जगह पर क्या आएगा तो बोलो सर इसकी जगह पर हम

कितना बचेगा बोलो सर ये आठ और ये चार आ जाएगा अड़तालीस यहाँ और अड़तालीस आपका यहाँ पर आएगा तो कितना आ जाएगा वो सर वन सिक्सटी थ्री पर जो आंसर आएगा वो वन सिक्सटी एट आएगा क्लियर है यहाँ तक सभी को चलो हाँ क्लियर है तो जल्दी से बताओ भाई अगला आंसर क्या आ रहा है भाई बताओ सुनील रंजीत जल्दी से बताओ भाई सरिता सुमरन प्रीति जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर्स चलो जल्दी से बताओ आप देखो ये क्वेश्चन किसका है बोलो सर ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड सीरीज का है किसका क्वेश्चन है बोलो सर रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है और अगर रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे बोलो, सर सबसे पहले हम लेटर्स को क्या करेंगे बोलो सर काउंट करेंगे करो भाई यहाँ पर लेटर्स को काउंट सर यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह कितने लेटर है बोलो सर पंद्रह पंद्रह के क्या बनाने बोलो सर गुणनखंड बनाओ भाई बोलो सर एक का कितना बोलो सर पंद्रह और बोलो तीन का कितना बोलो सर पाँच और कितना बोलो सर पांच का तीन हम बनाते बोलो सर तीन तीन के पांच बनाओ ए बी सी बोलो सर एक दो तीन ये भी एक दो तीन यहाँ पर एक दो तीन और ये भी आपका एक दो तीन जहाँ तक बात क्लियर है चलो अब यहाँ तक बात क्लियर है तो दूसरा और लास्ट हम क्या करेंगे बोलो सर आपको लास्ट जो स्टेप रहता है यहां पर क्या रहता है बोलो सर हमें करना पड़ता है कंपेयर करना पड़ता है क्या करना पड़ता है भाई कंपेयर अब कंपेयर करके देखो क्योंकि कंपैरिजन ही यहाँ पर क्या है भाई इंपॉर्टेंट है और वो कंपैरिजन क्या है यहाँ पर ध्यान से समझो कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पहला लेटर देखो बोलो सर यहाँ पर ए आ रहा है देखते जाओ बोलो सर यहाँ पर ए है यहाँ पर क्या है बोलो सर ये बी बी के बाद बोलो सर सी सी के बाद बोलो सर डी डी के बाद क्या बोलो सर ई है सर ठीक है यहाँ तो ए बी सी डी चल रही नेक्स्ट वाले में देखो बोलो सर यहाँ पर सी है सी के बाद डी डी के बाद ई e, e के बाद एफ एफ के बाद क्या आ रहा है बोलो सर जी ये भी चीज ठीक है तो नेक्स्ट वाले में क्या आना चाहिए बोलो सर यहाँ पर एच है यहाँ पर अगर एच है तो एच के पहले क्या आता है जल्दी से बताओ भाई बोलो सर अगर यहाँ पर एच है यहाँ पर एच आ रहा है तो एच के पहले क्या आता है बोलो सर यहां पर जी आता है जी के पहले क्या आता है बोलो सर एक दो तीन चार ई के पहले क्या आता है बोलो सर डी आता है तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो सर E एफ जी क्या आ जाएगा भाई E एफ जी तो बोलो सर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सॉरी सी नहीं होगा बोलो सर डीई जी ई डी एफ जी D e F G, D, क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट होगा क्या होगा ऑप्शन करेक्ट होगा रिपीटेड सीरीज में क्या होता है रिपीटेड सीरीज में एक पैटर्न चलता है वो वही पैटर्न आपका होता है क्या होता है जहां पर हम पेयर्स में उसको तोड़ते हैं ना तो वही पैटर्न आपका क्या होता है भाई रिपीट होता है क्लियर है यहां तक सभी को चलो अगर क्लियर है तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा चलो बताओ भाई जल्दी से क्या आ रहा है नेक्स्ट आंसर्स चलो देखो मैंने जब आपको बताया था जब भी आपका अल्फाबेट आए तो पहला लेटर हमेशा पहला लेटर से चेंज होता है बोलो सर ठीक है क्यू कितने पे, आते सर, पे आता है ध्यान से देखो बोलो सर क्यू आपका सत्रह पे आता है आई कितने पे बोलो सर ये नौ पे ई e कितने पे बोलो सर ये पांच पे बोलो सर यहाँ पर डिफरेंस निकालो बोलो सर कितना आ रहा है बोलो सर ये माइनस का चार आ रहा अगर सत्रह में से अगर मैं माइनस का चार करूंगा तो कितना आ रहा है बोलो सर तेरह कितना आ रहा भाई तेरह तेरह में से माइनस चार करोगे तो नौ आ रहा बोलो सर ये भी चीज ठीक है तो तेरह पे क्या आता है बोलो सर तेरह पे आपका एम आता है क्या आता है भाई एम यहाँ पर क्या आता है तेरह पे एम आता है अगर एम है तो बोलो सर ये ऑप्शंस नहीं आएगा ये ऑप्शन नहीं आएगा अब यहाँ पर देखो दोनों में एम है दोनों में क्या आ रहा है बोलो सर वी वी कॉमन आ रहा है बोलो सर दूसरा लेटर्स तो कॉमन है हम तो निकालते तीसरे लेटर्स ते के कितने पे आता है बोलो सर ग्यारह पे जी कितने पे आता है बोलो सर यहाँ पर सात पे ई कितने पे आता है बोलो सर पांच पे यहाँ पर डिफरेंस निकालो बोलो सर कितना आ रहा है भाई माइनस दो यहाँ पर अगर मैं देखू बोलो सर माइनस दो करोगी तो कितना आ रहा है बोलो सर नाइन नाइन माइनस दो करोगे तो कितना आ रहा है बोलो सर सात तो बोलो सर एम वी और वी के बाद नौ पर कितना आता है बोलो सर यहाँ पर ये तो तेरह पर आ गया ये तो चीज ठीक है नौ पर क्या आता बताओ नौ पर आता है आपका आई तो आंसर्स क्या आ जाएगा बोलो सर एम वी आई ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा करेक्ट होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा क्लियर है यहाँ तक सभी को क्लियर है चलो अगर क्लियर है तो आते हैं अगले क्वेश्चंस पर जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहे हैं आंसर्स गुड इवनिंग नैन्सी जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहे हैं आंसर्स चलो बताओ भाई जल्दी से क्या आ रहा है अब देखो ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है बट सीरीज में किसका क्वेश्चन का क्वेश्चन है यहाँ पर भी क्या चलेगा बोलो सर यहाँ पर भी आपका सेम पैटर्न चलेगा और क्वेश्चन में क्या बोला है ये चीजों को समझो उसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सॉरी यहाँ पर संख्या नहीं आएगी संख्या की जगह क्या आएगा बोलो सर यहाँ पर डायग्राम आएगा क्या आएगा बोलो सर यहाँ पर डायग्राम आएगा ठीक है कौन सी प्रश्नवाचक यहाँ पर नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सा आपका नेक्स्ट आपका आएगा जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है देखते हैं पर पर ध्यान से समझो अब हम डायग्राम को समझते क्योंकि डायग्राम यहाँ पर मेन है तो सबसे पहले देखोगे बोलो सर पहले आपका यहाँ था उसके बाद कहा हुआ बोलो सर यहाँ पर मूव हुआ ये चीज ठीक है उसके बाद कहा मूव हुआ बोलो सर यहाँ पर एक के बाद आपका एक छूट के ही हुआ फिर बोलो सर यहाँ पर हुआ ये भी चीज ठीक है या फिर अगर मैं बात करूं बोलो सर यहाँ पर अगर दो दो का भी पेयर्स बनाओगे चलो अगर मैं दो दो का पेयर्स बनाऊँ बोलो सर अगर ये पेयर्स बन गया ये भी आपका पेयर्स बन गया अब देखो इन दोनों पेयर्स में बोलो सर पहले आपका यहाँ था यहाँ से कहाँ गया बोलो सर यहाँ ये चीज ठीक है बोलो सर पहले आपका यहाँ था यहाँ से कहाँ गया बोलो सर यहाँ तो क्या छूट रहा बोलो सर यहाँ पर आपका ब्लैंक ये छूट रहा है इसमें ब्लैंक कहाँ छूट रहा है भाई यहाँ अगर यहाँ पर है तो कहाँ जाएगा बोलो सर यहाँ और ब्लैंक ये छूट जाएगा ये भी चीज ठीक है क्योंकि ये वाला इससे अगर यहाँ पर है तो बोलो सर ये ब्लैंक छूटेगा कहाँ आ जाएगा बोलो सर यहाँ पर तो डार्क जो होगा वो कुछ इस वाले एरिया में होगा बोलो सर यहाँ पर ये एरिया और ये गलत हो जाएगा और सर इस वाले एरिया में ये भी गलत हो जाएगा और सर यहाँ पर इस वाले एरिया में ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर इस वाले एरिया में ये भी आपका गलत हो जाएगा तो आंसर जो आ जाएगा वो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आपका या तो इस तरीके से आएगा ध्यान से समझो या तो आपका डार्क इस साइड से होगा चलो एक तो पैटर्न हम ये भी बना सकते हैं ध्यान से सुनते जाना यहाँ पर आपके दो पैटर्न बन सकते हैं पहला पैटर्न क्या पहले में आपका ये आंसर आएगा चलो हम दूसरा देख लेते हैं भाई यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन से जाते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से देखो भाई कौन सा आंसर सा आएगा बताओ भाई जल्दी से क्या आ रहा है ए आ रहा है चलो देख लेते हैं यहाँ पर एक को भी हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं पहले आपका यहाँ तब यहाँ से कहा है बोलो सर यहाँ नेक्स्ट वाले में कहा गया बोलो सर नेक्स्ट वाले फिर आपका यहाँ आ गया एक मूव हुआ उसके बाद बोलो सर फिर आपका कितना मूव हुआ बोलो सर यहाँ से अगर मैं बात करूं तो बोलो सर एक मूव हुआ नेक्स्ट वाले में देखो बोलो सर नेक्स्ट वाले फिर से आपका यहाँ मूव हो गया ठीक है बोलो सर पहले आपका एक छोड़कर मूव हुआ फिर तुरंत होगा फिर आपका एक छोड़कर फिर एक बोलो सर इसके बाद कहाँ मूव होगा बोलो सर यहीं पर ही मूव होगा तो आपका यहाँ पर डायग्राम में नहीं दिया गया था इसलिए आपका ना ही ये आएगा ना ही ये आएगा ना ही ये आएगा ना ही ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन आपको गलत दिया गया है जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है वही डायग्राम आपका क्या होगा भाई सही होगा क्लियर है यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ है यहाँ तक सभी को चलो, अगर क्लियर हुआ है तो आते हैं अगले क्वेश्चंस पर जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा नेक्स्ट बताओ भाई जल्दी से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हाँ वही आ रहा है क्योंकि देखो क्वेश्चंस क्या होते हैं मैंने भी आपके जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं तो इसलिए मैंने यहां पर डायग्राम करेक्ट बनाकर आपके आंसर दे दिए चलो बताओ भाई नेक्स्ट बताओ क्या आ रहा है नेक्स्ट बताओ भाई जल्दी से क्या आ रहा है प्रीति सुमरन सरिता सुनील जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है नैनसी चलो देखो अब यहाँ पर आपको छह तीन, तीन के बाद आपको निकालना है चलो निकाल लेते हैं अब यहाँ पर ध्यान से देखो बोलो सर तीन के बाद चार चार के बाद पांच पांच के बाद छह छह के बाद कितना बोलो सर सात चलो ठीक है बोलो सर ये तो आ जाएगा अब यहाँ पर बोलो सर तीन ये चार पाँच पांच की बट ये थोड़ी ना निकाल निकालना कौन सा बोलो सर यहाँ पर अट्ठाईस पैंसठ एक सौ छब्बीस एक सौ छब्बीस के बाद अब यहाँ पर ध्यान से देखो अगर मैं अट्ठाईस को लिखू बोलो सर यहाँ पर क्या तीन का क्यूब प्लस में क्या लिख सकते हो भाई वन यहाँ पर देखो पैंसठ को क्या लिख सकते हो बोलो सर यहाँ पर चार का क्यूब प्लस में वन चार का क्यूब कितना होता है बोलो सर चौसठ प्लस में वन एक सौ छब्बीस को क्या लिख सकते हो बोलो सर यहाँ पर पांच का क्यूब प्लस में कितना बोलो सर वन तो कितना एक सौ पच्चीस तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा बोलो सर यहाँ पर छह का क्यूब प्लस में वन तो कितना आ जाएगा बोलो सर यहाँ पर दो सौ सोलह प्लस में एक कितना आना चाहिए बोलो सर दो सौ सत्रह आंसर कितना दो सौ सत्तर तो बोलो सर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा क्लियर है यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ है यहाँ तक सभी को चलो अगर क्लियर हुआ है तो आते हैं अगले क्वेश्चंस पर जल्दी से बताओ भाई यहाँ पर आंसर्स क्या आएगा देखो ये वाली जो सीरीज है जो आपको बोर्ड में दिख रही होगी ये आपकी स्पेशल सीरीज है क्योंकि यहां पर आपको देखो यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था मिसिंग नंबर में सिर्फ हमें एक नंबर बताना पड़ रहा था कितना नंबर बोलो सर एक नंबर बट इस वाली सीरीज में आपको दो नंबर बताने पड़ रहे हैं जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर्स बताओ भी जल्दी से क्या रहा है आंसर चलो देखो यहां पर ध्यान से देखो क्या करना है यहाँ पर क्योंकि दो दो नंबर है हम देखते हैं बोलो सर यहाँ पर बीस के बाद बीस अगर देखो बोलो सर बीस के बाद उन्नीस कितना हुआ बोलो सर यहाँ पर माइनस वन हुआ उन्नीस के बाद सत्रह बोलो सर यहाँ पर कितना हुआ बोलो सर उन्नीस के बाद सत्रह बोलो सर ये माइनस कर दो सत्रह के बाद चौदह बोलो सर यहाँ पर माइनस का थी तो नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा बोलो सर माइनस का चार माइनस का चार मतलब इस वाले स्थान पर क्या आ जाएगा बोलो सर दस आ जाएगा क्या जा आ जाएगा बोलो सर दस तो बोलो सर दस कहीं पर है बोलो सर यहीं पर ही है बोलो सर यहाँ पर ग्यारह आ रहा है ये नहीं आएगा यहाँ पर चौदह आ रहा है ये नहीं आएगा पर सोलह आ रहा है ये नहीं आएगा अब चलो पहला वाला नंबर नंबर भी तो निकाल लो पर जरूरी थोड़ी ना कि दूसरा ही निकालना है ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं चलो अब दिख रहे होंगे नेक्स्ट देखो बोलो सर यहाँ पर बीस था बीस से सोलह कितना हुआ बोलो सर यहाँ पर माइनस का चार हुआ सोलह से तेरह कितना हुआ बोलो सर फिर से आपका माइनस का तीन तेरह से ग्यारह बोलो सर यहाँ पर माइनस का दो ग्यारह से यहाँ पर देखो सॉरी यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए यहाँ पर चौदह के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो सर ये तो दस आ जाएगा और होना तो यहाँ पर माइनस आ रही और इसके बाद कितना आ जाएगा बोलो सर माइनस का वन तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बोलो सर यहाँ पर भी आपका दस आएगा तो इस वाले स्थान पर भी कितना आ रहा है बोलो सर दस तो दोनों स्थान पर क्या आ रहा है दस इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा क्लियर है यहाँ तक सभी को यहाँ तक क्लियर है चलो अगर क्लियर है तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर चलो बताओ भाई जल्दी से क्या आ रहा है आंसर्स देखो यहाँ पे बहुत अच्छी सीरीज है अगर मैं बात करू यहाँ पर हम इसको स्टार मार्क भी दे सकते हैं यहाँ पर देखो क्या लिखा बोलो सर एक, एक के बाद बोलो सर इकतीस इकतीस के बाद बोलो सर कितना सौ छप्पन एक सौ छप्पन के, के बाद क्वेश्चन मार्क हो क्वेश्चन मार्क के बाद कितना बोलो सर थ्री नाइन जीरो सिक्स चलो कोई भी बताओ भाई जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है सीरीज में सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आपका आएगा तो आंसर बताओ क्या आ रहा है जल्दी से बताओ भाई सभी लोग चलो किसी का आ रहा है क्या प्रीति सुमरन सुमरनसी सरिता सुनील बताओ भी जल्दी से क्या आ रहा है सेवन एट्टी वन आ रहा है ठीक है रंजीत का सबसे पहले आया है सेवन एट्टी वन और किसी का चलो देखो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सीरीज बन रही है अब देखो ध्यान से समझते जाना बोलो सर अगर मैं एक को लिखता हूं देखो यहाँ पर बोर्ड पर बोलो सर अगर एक को लिखो बोलो सर यहाँ पर पांच की पावर जीरो प्लस में क्या भाई वन पाँच की पावर जीरो कितना होता है बोलो सर पाँच की पावर जीरो जो होता है वो वन कितना होता है बोलो सर जीरो प्लस में वन कितना हो जाएगा बोलो सर यहाँ पर जो होगा वो कितना हो जाएगा बोलो सर ज़ीरो प्लस में वन कितना आ रहा है बोलो सर ये वन ही आ रहा है नेक्स्ट देखो बोलो सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बोलो सर यहाँ पर पाँच की पावर एक प्लस में पाँच की पावर जीरो प्लस में एक तो कितना आ रहा है बोलो सर यहाँ पर पाँच प्लस में जीरो प्लस में एक कितना हो जाएगा बोलो सर यहाँ पर जो हो, तो हो सर, one, रहा है आपका छः हो रहा है ये चीज क्लियर है नेक्स्ट वाले में देखो बोलो सर यहाँ पर आ जाएगा कितना बोलो सर पांच की पावर दो पांच की पावर एक पांच की पावर आपका जीरो पांच की पावर एक मतलब यहाँ पर एक आ जाएगा सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ पर ध्यान से समझो पांच की पावर जीरो है यहाँ पर कितना बोलो सर पांच की पावर एक है ध्यान से समझो यहाँ पर पांच की पावर एक प्लस में पांच की पावर जीरो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बोलो सर पांच की पावर जीरो कितना होता है बोलो सर ये वन होता है यहाँ पर देखो बोलो सर पांच की पावर वन प्लस में पांच की पावर जीरो पांच की पावर वन कितना होता है बोलो सर पांच और तो पांच की पावर जीरो वन होता है तो यहाँ पर कितना जाएगा? वही आ जाएगा भाई आ जाएगा यहाँ पर प्लस वन नहीं है बोलो सर यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो सर ये पच्चीस पच्चीस प्लस में पांच और प्लस में एक कितना हो जाएगा बोलो सर ये इकतीस होता है तो यहाँ पर कितना स्टार्ट होगा बोलो सर ये पांच की पावर तीन से होगा और यहाँ पर कितना स्टार्ट होगा बोलो सर ये पांच की पावर चार पाँच की पावर दो तो पांच की पावर एक और पांच की पावर कितना भाई जीरो पर देखो बोलो सर पांच की पावर चार छह सौ पच्चीस प्लस में बोलो सर यहाँ पर ये यह पच्चीस आ जाएगा यहाँ पर ये यह एक आ जाएगा तो कितना बोलो सर ये कितना हो जाएगा छह सौ पचास प्लस में छह कितना हो जाएगा बोलो सर यहाँ पर होगा छह सौ छप्पन कितना हो रहा है भाई छह सौ छप्पन कहीं पर है क्या छह सौ छप्पन है क्या क्या आ रहा है भाई आंसर ए आ रहा है ए आ रहा है देखो यहाँ पर जो मैंने लॉजिक लगाया है वो लॉजिक देख लेते जैसे अगर मैं इसको करता हूँ ध्यान से समझ से जाओ बोलो सर अगर आप इसको करो इसी लॉजिक से बोलो सर यहाँ पर करो बोलो सर पाँच की पावर तीन कितना बोलो सर ये एक सौ पच्चीस प्लस में कितना बोलो सर यहाँ पर पच्चीस ही आ जाएगा पाँच और प्लस में कितना बोलो सर ये एक तो बोलो सर कितना आ रहा है एक सौ पच्चीस एक सौ इक्यावन ही तो आ रहा है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बोलो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा एक सौ पच्चीस पाँच कितना बोलो सर ये छः सौ पच्चीस फिर बोलो सर यहाँ पर ये एक सौ पच्चीस फिर आपका बोलो सर पच्चीस पच्चीस के बाद 5 5 के बाद एक यही तो आएगा ये कितना बोलो सर 6 की पावर चार है ये आपका छह की पावर तीन है ये आपका 6 की पावर दो है ये आपका सॉरी कितना बोलो सर पांच की पावर चार पांच की पावर तीन पांच की पावर दो पांच की पावर एक और पांच की पावर जीरो चलो देखो बोलो सर पाँच 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 और ये कितना हो जाएगा एक हो जाएगा दो दो चार दो छः दो आठ आ जाएगा यहाँ पर कितना बोलो सर सेवन एट्टी वन तो आंसर हो जाएगा सेवन एट्टी क्लियर है सर पेन का कलर डार्क करें ठीक है हाँ प्लस में गलती हुई है ठीक है मैंने सही कर दिया है अभी क्लियर है सभी को हाँ डार्क ही है पेन का कलर चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जल्दी से बताओ भाई ये क्वेश्चंस का आंसर्स क्या आएगा देखो ये भी फिर से क्वेश्चंस किसका है बोलो सर यहाँ पर फिर से आपका नॉन वर्बल का क्वेश्चंस है जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर्स कर दिया पेन का कलर चेंज कर दिया जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर्स सर ऐड क्यों आ रही है ऐड आ रही है क्या ऐड नहीं आने चाहिए वैसे तो चलो बताओ भाई जल्दी से क्या आ रहा है बी ऑप्शन आ रहा है चलो ठीक है बी ऑप्शन आ रहा है सुनील का बी आ रहा है चलो देख लेते हैं यहाँ पर किसका क्या आ रहा है ध्यान से समझो यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ो किस तरीके से यहाँ पर डायग्राम में मूवमेंट हो रहा है देखो मेन क्या है यहाँ पर डायग्राम में मूवमेंट ही होता है उसी के बेसिस पे हम क्या करते भाई क्वेश्चंस करते अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखो बोलो सर पहले कहाँ था बोलो सर यहाँ पर डायग्राम ये था देखो यहाँ पर बोलो सर पहले ये था उसके बाद कहा गया बोलो सर ये आपका कितना मूव हुआ बोलो सर इस साइड मूव ठीक है और सर फिर कहा मूव हुआ बोलो सर फिर आपका नीचे मूव हो गया देखो यहाँ पर और सर फिर आपका कहा मूव हुआ बोलो सर फिर आपका कहां मूव हो गया नीचे के बाद फिर कहा मूव हुआ बोलो सर फिर नीचे मूव हो गया नीचे के बाद फिर कहा जाएगा कहा जाएगा भाई वापस जाएगा तो देखो इस वाले में तो यहाँ आ रहा है ये नहीं आएगा इस वाले में इस साइड आ गया बोलो सर ये नहीं आएगा इस वाले में यहाँ आ गया बोलो सर ये भी नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा बी नहीं होगा बी नहीं होगा ध्यान से देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखो उसने क्या बोला है वही चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सर बी अकबर समझा दो एक मिनट एक मिनट सर क्लास रुक गई है नेटवर्क इश्यू की वजह से आपकी क्लासेस रुक गई थी दोबारा से देखो सभी को ऑडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट्स कर दो सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर हो रहा है तो एक बार कमेंट्स कर दो सभी लोग क्लियर है सभी को एक बार कमेंट्स कर दो चलो ठीक है देखते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं क्या बोला था यहां पर ध्यान से समझो किस किस को डाउट आ रहा है वो चीज देख लेते हैं यहाँ पर देखो हम डायग्राम को बहुत ही आराम से देखते देखो आप डायग्राम को फिर से देखो क्योंकि यहाँ पर हम जब तक डायग्राम को नहीं देखेंगे जब जब तक हमें नहीं पता चलेगा देखो जब भी आपकी सीरीज के क्वेश्चन आएंगे तो सीरीज के क्वेश्चन में हमें क्या करना है ध्यान से समझो कि सीरीज के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये होता है कि सीरीज के क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ता है कि, कि किस तरीके से उसमें मूवमेंट हो रहा है देखो नंबर सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज वो चीज अलग है बट जब आपका

देखो पहले कहाँ गया बोलो सर फर्स्ट नंबर पे जहां था उसके बाद बोलो सर दूसरे पे यहाँ आया तीसरे पे कहाँ आया बोलो सर तीसरे पे यहाँ आया चौथे पे अगर इस साइड जा रहा है तो पांचवे पे कहाँ आएगा बोलो सर फिर से आपका रिवर्स पोजिशन पे आएगा ना कहाँ आएगा भाई रिवर्स पोजिशन पे ही तो आएगा क्लियर है ना सभी को तो बोलो सर इसके बाद डायग्राम कहाँ जाएगा बोलो सर वहीं जाएगा इसमें कहाँ आ रहा था यहाँ पर आ रहा था इसमें ऊपर जा रहा था इसमें आपका साइड में आ रहा था सिर्फ सी ऑप्शन में तो वही जा रहा था ना डायग्राम तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन किस पे करनी पड़ती है भाई डायग्राम में करनी पड़ते है. क्योंकि डायग्राम ही आपके लिए क्या होते हैं भाई इंपॉर्टेंट होते क्लियर है आप सभी को सुनील लेंसी रंजीत सभी को क्लियर है चलो अगर क्लियर है तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर जल्दी से बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सिंबल तो में गलत है फर्स्ट पिक्स में एक मिनट रुक जाओ क्या देख क्या बोल रहा हो फर्स्ट पिक्स में क्या है गलत दिया गया है कहां गलत दिया गया फर्स्ट पिक्स चलो नेक्स्ट बताओ भाई क्या आ रहा है जल्दी से बताओ भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है

तैतीस प्लस में क्या करूं बोलो सर प्लस में ग्यारह करूं तो कितना आ जाएगा भाई चवालीस चवालीस से छप्पन पहुंचना है तो बोलो सर कितना कर दो बोलो सर यहाँ पर प्लस का बारह कर दो छप्पन से उनहत्तर पहुंचना है तो बोलो सर यहाँ पर क्या कर दो भाई प्लस का कर दो ये चीज क्लियर है नेक्स्ट देखो 47 से 50, कितना बोलो सर सत्तर का, का बारह और सत्तर से बोलो सर यहाँ पर प्लस का तो बोलो सर, सर यहाँ पर एट्टी थ्री कितना एट्टी थ्री और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्लियर है यहाँ तक सभी को चलो अगर क्लियर है तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर्स हाँ एट्टी थ्री आ रहा है ठीक है सभी का ठीक है चलो नेक्स्ट वाला बताओ अभी क्या आ रहा है छह आ रहा है चलो देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है डी आ रहा है छह आ रहा है चलो देखो ध्यान से देखो फिर से हम क्या निकालते बोलो सर डिफरेंस निकालो डिफरेंस निकालो बोलो सर यहाँ पर छब्बीस में से बोलो सर यहां पर अगर मैं देखो यहां पर सर बोलो अठारह चार बोलो सर बोलो सर बाईस बाईस छब्बीस तीस यहाँ पर दस में से क्या घटाओ बोलो सर चार घटाओ तो कितना आ जाएगा बोलो सर छह और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा क्या होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा हाँ सभी का सही है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई क्या आ रहा है? फिर से आपका डायग्राम का क्वेश्चन जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है? नॉन वर्बल सीरीज का फिर से क्वेश्चन आया चलो बताओ भाई जल्दी से क्या आ रहा है आंसर बी आ रहा है ठीक है अमन का बी आ रहा है और बाकी लोगों का सुमरन का ए आ रहा है। अच्छा ये पिछले ऑप्शन का बताओ जल्दी से क्या आ रहा है आंसर ए ऑप्शन ठीक है और बाकी लोगों का देखो अब यहाँ पर डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखना अगर मैं इस डायग्राम को बड़ा करता हूँ देखो यहाँ पर और सर डायग्राम को बड़ा कर दो तो थोड़ा बहुत और क्लियरिटी आएगी चलो यहाँ पर देखो हम डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और आपको क्लियरिटी आप। देखो क्या क्या लिखा है क्या क्या करना है यहाँ पर दम दो और सर पहले आपके सारे क्या थे भाई सिंबल्स थे और सर फिर क्या आ गया बोलो सर यहाँ पर ए आ गया और इसके जगह पर जो यहाँ पर पेंटागॉन था ये कहाँ पर चला गया बोलो सर यहाँ पर बीच में चला गया दूसरी जगह देखो बोलो सर यहाँ पर क्या आ गया बोलो सर ये बी आ गया और ये कहाँ चला गया बोलो सर ये इसके अंदर चला गया फिर यहाँ पर तीसरे में क्या हो बोलो सर यहाँ पर सी आ गया और ये ट्राइंगल कहा चला गया बोलो सर इसके अंदर चला गया तो बोलो सर नेक्स्ट वाले में क्या होगा बोलो सर यहाँ पर डी आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा बोलो सर इसके अंदर तो सबसे पहले तो ये देखो बोलो सर ए बी सी डी बोलो सर यहाँ पर सी आ रहा है ये नहीं आएगा यहाँ पर ए बी सी डी आ रहा है यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर बी है बोलो सर ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बी आ रहा है अब बोलो सर या तो आपका सी आ सकता है या तो आपका बी आ सकता है अब यहाँ पर ध्यान से समझो कौन सा आएगा यह भी चीज आपके लिए क्या होने चाहिए भाई इंपॉर्टेंट होने चाहिए क्योंकि देखो ए बी यहाँ पर क्या रहा? सर, आ रहा है तो बोलो सर डी आ रहा है तो बोलो सर बी भी ऑप्शन नहीं आएगा तो क्या आएगा बोलो सर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा ध्यान से देखते जाओ बी नहीं आएगा बी नहीं आएगा क्योंकि सिक्वेंस क्या चल रहा है यहाँ पर देखो बोलो सर यहाँ पर ए आया यहाँ पर आपका बी आया नेक्स्ट में सी आया तो नेक्स्ट वाला क्या बचेगा भाई डी बचेगा ना तो यहाँ पर जो आएगा बोलो सर ये ए ये सी और ये क्या होगा भाई डी यहां पर क्या आ रहा था भाई डी इसलिए बी ऑप्शन नहीं आएगा आपका क्लियर है यहां तक चलो अगर क्लियर है तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा अगला आंसर चलो बताओ जल्दी से क्या रहा है आंसर्स पहले सही बताया था देखो अपने आंसर चेंज मत किया करो मैं आपको बता दूं जब भी आप अपने आंसर चेंज करते हो तो अपने आप में ही आप लोग क्या करते हो भाई डाउट को क्रिएट करते हो देखो जब तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे जब तक अपने आप में आप नहीं समझोगे कि नहीं यार मेरा आंसर सही है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा भाई यहाँ पर सेल्फ डाउट को थोड़ा अलग करके मोटिवेट होना पड़ेगा अपने आप को इस वजह से ही हम आगे बढ़ेंगे चलो बताओ भाई क्या आ रहा है अमन का क्या आ रहा है भाई सी आ रहा है चलो देख लेते हैं भाई अमन का सी आ रहा है ध्यान से देखो यहाँ पर हम डिफरेंस निकालते हैं निकालो भाई बोलो सर अंठावन से छिहत्तर या तो यहाँ निकालो बोलो सर यहाँ पर ये कितना आ रहा है भाई चौबीस यहाँ पर ये कितना आ रहा है बोलो सर ये तीस आ रहा ठीक है अंठावन में से छह था बोलो सर छह में से आठ जाएंगे बोलो सर यहाँ पर आठ बचेंगे ये आपका अठारह बच रहा देखो चौबीस और तीस का डिफरेंस छह अठारह और चौबीस का डिफरेंस सर छह तो का डिफरेंस तो यहाँ पर कितना आएगा भाई बा, बारह तो अंठावन में से अगर मैं क्या घटाऊ बोलू सर अगर बारह घटाओगे तो कितना आ जाएगा बोलो सर चे और छियालीस तो आंसर कितना होगा बोलो सर ऑप्शन नंबर ए छियालीस होगा क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर ए आपका छियालीस होगा पचपन कैसे आ रहा है सुनील अमन आपका सी कैसे आ रहा था यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या रहा आ रहा है भाई छियालीस आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्लियर है यहां तक सभी को चलो अगर क्लियर है तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर गुड इवनिंग गोरा कुशवाहा चलो नेक्स्ट बताओ भाई क्या आ रहा है देखो यहाँ पर रखो बोलो सर यहाँ पर फिर से आप प्लेस वैल्यू देखो जब भी आपके अल्फाबेट आए तो प्लेस वैल्यू बोलो सर ये एक ये आपका चार ये आपका आठ ये आपका कितना बोलो सर तेरह ये आपका छब्बीस चलो तो डिफरेंस निकालो बोलो सर यहाँ पर तीन ये आपका चार ये आपका कितना बोलो सर पांच तो नेक्स्ट वाला बोलो सर छह तेरह और छह कितने होते हैं बोलो सर उन्नीस और उन्नीस पे क्या आता है बोलो सर एस आता है तो बोलो सर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा क्लियर है यहाँ तक सभी को यहां तक क्लियर है सभी को चलो अगर क्लियर है तो आते हैं अगले क्वेश्चंस पर जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा अगला क्वेश्चंस चलो नेक्स्ट बताओ भाई जल्दी से क्या आ रहा है हाँ बताओ भाई जल्दी से क्या आ रहा है आंसर चलो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो अगर हम देखें बोलो सर यहाँ पर प्लेस वैल्यूज भी लिखो अगर नहीं भी लिखना तो भी चलेगा देखते जाओ यहाँ पर W कितने पे आता है बोलो सर ये पे आता बाईस एस कितने पे आता है बोलो सर उन्नीस पे, पे यहाँ पर Q कितने पे आता है बोलो सर सत्रह पे ये आपका सोलह पे ये आपका चौदह पे ये आपका तेरह पे ये आपका ग्यारह पे आपका दस पे ध्यान से देखते जाओ क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ना बोलो सर यहाँ पर तेईस से बाईस माइनस वन बाईस से बीस बोलो सर माइनस का दो बीस से उन्नीस बोलो सर माइनस का एक और उन्नीस से सत्रह बोलो सर यहाँ पर कितना हो रहा फिर माइनस का एक यहाँ पर कितना हो रहा बोलो सर यहां पर माइनस का एक हो गया, यहीं पर क्या हो गया? चेंज हो गया तो जब आपने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस से आपका नहीं आया डिफरेंस से आया नहीं आया नेक्स्ट देखो बोलो सर अगर हम अल्टरनेटिव निकालें ठीक है अल्टरनेटिव निकाल के देखो बोलो सर तेईस से बीस कितना बोलो सर माइनस का तीन बीस से सत्रह बोलो सर फिर माइनस का तीन सत्रह से चौदह बोलो सर फिर माइनस का तीन यहां पर भी माइनस का तीन तो ग्यारह में से अगर मैं माइनस तीन करूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो सर यहाँ पर आठ आ जाएगा और आठ पे क्या आता है बोलो सर पर एच आता है क्या आता है भाई तो बोलो सर पर आई आ रहा है यहाँ पर जी आ रहा है यहां पर भी जी आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्या एच और जी क्लियर है यहाँ पर सभी को तो आंसर क्या आएगा बोलो सर आंसर जो आएगा वो एच और जी आएगा चलो अगर क्लियर है तो अगला आंसर बताओ भी जल्दी से क्या आएगा चलो जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर देखो आप लोग अगर डेली शाम को सात बजे जुड़ेंगे तो यहां पर आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपके जितने भी डाउट हैं रीजनिंग से रिगार्डिंग

अगर छह नंबर उसी के तो हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस उसी से करनी चाहिए इसलिए कर कर तो गलती नहीं होगी चलो बताओ भाई क्या रहा है आंसर देखो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो बोलो सर डॉट को गिनते बोलो सर यहाँ पर तीन है यहाँ पर कितना बोलो सर दो है यहाँ पर कितना बोलो सर तीन है यहाँ पर कितना हो गया बोलो सर तीन हो गया यहाँ पर कितना आ रहा है बोलो सर ये चार है ये कितना आ? सर, है बोलो सर तीन है यहाँ पर अगर ये चार है तो ये भी कितना हो गया भाई चार हो गया तो नेक्स्ट वाला में देखो बोलो सर अब ध्यान से देखो समझो यहाँ पर बोलो सर तीन तीन के बाद तीन था ठीक है के बाद कितना हो रहा सर, थीन, 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 है बोलो सर चार चार के बाद कितना है बोलो सर चार है देखो दो बार तीन हो गया दो बार चार हो गया तो नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा बोलो सर ये पांच आ जाएगा पांच वाले देखो एक दो तीन चार पांच यहाँ पर तीन था बोलो सर ये नहीं आएगा एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार बोलो सर ये दो ऑप्शन आ सकते हैं या तो ए आ सकता है या तो फिर क्या सकता आ सकता है भाई आपका बी आ सकता है ध्यान से देखो बोलो सर यहाँ पर कितना है और सर यहाँ पर दो है यहाँ पर कितना है बोलो सर ये तीन है यहाँ पर कितना है बोलो सर ये तीन है नेक्स्ट वाले में कितना गया बोलो सर चार तो बोलो सर दो के बाद कितना है तीन तीन के बाद तीन मतलब दो बार तीन आए तो तीन के बाद कितना है भाई चार तो नेक्स्ट वाले में कितना जाएगा बोलो सर चार यहाँ पर कितना आ रहा है बोलो सर ये पांच आ रहा तो बोलो सर बी भी नहीं आएगा यहाँ पर चार तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा क्लियर है यहाँ तक सभी को चलो अगर क्लियर है तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जल्दी से करो ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट है भाई इसको होमवर्क भी दे सकते हैं और जल्दी से बताओ भाई ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा ईजी है बताओ भाई जल्दी से क्या आ रहा है आ, गलत हो गया बहुत ही बारीकी से देखना रहता है देखो जब भी आपके नॉन वर्बल के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही बारीकी से देखना क्योंकि ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आपके गलत कराएंगे चलो देखो यहाँ पर किस तरीके से बोलो सर अगर मैं क्या करूँ बोलो सर यहाँ पर सीरीज लिखता हूँ बोलो सर ये पंद्रह पंद्रह के बाद इकतीस इकतीस के बाद बोलो सर ये चौंसठ चौसठ के बाद बोलो सर यहाँ पर 131, एक सौ इकतीस एक करो बोलो सर यहाँ पर पंद्रह दोनी तीस प्लस में कितना एक ठीक है इकतीस दो नहीं बोलो सर बासठ बासठ प्लस में दो यहाँ पर चौंसठ दो नहीं कितना होता बोलो सर एक सौ अट्ठाईस प्लस में तीन करोगे तो एक सौ इकतीस यहाँ पर एक सौ इकतीस इंटू दो करो भाई बोलो सर यहाँ पर दो ये और दो बोलो सर एक प्लस में दो प्लस में तीन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो सर प्लस में चार करो भाई बोलो सर कितना आ जाएगा दो सौ छियासठ दो सौ छियासठ बोलो सर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा क्लियर है यहाँ तक सभी को तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं कल की क्लास में हम फिर से आपकी सीरीज के क्वेश्चंस लेकर आएंगे क्योंकि आज के क्लास में मैं कई सारे वैरायटीज के भी क्वेश्चंस लेकर आया था जो आपके क्वेश्चंस आज कंप्लीट नहीं हो पाए तो कल की क्लास में हम फिर से सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे और इसमें और भी जो टाइप बच रहे हैं जहां पर आपके फ्रैक्शन के फॉर्मेट में किसके फॉर्मेट में भाई भिन्न के फॉर्मेट में आपकी जो सीरीज आती है उन सीरीज के सारे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे भाई सॉल्व करेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम कल के क्लास में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा कल हम मिलते हैं नए जोश के साथ नए उमंग के साथ थैंक यू सो मच जय हिंद गुड नाइट